पाकिस्तान की गरीब अवाम तारीखी गुर्बत, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी महंगाई का सामना कर रहे हैं और उसका वही जवाब है कि मैं क्या करूं। वजीर आजम साहब, अगर आपके पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है तो आप यही कर सकते हो कि इस्तीफा दो, घर चले जाए। हुकूमत की नाअहलियों का बोझ अवाम उठाने पर मजबूर है। वजीर आजम का खुद को जेर तरबियत करार देना अवाम से मजाक है। बिलावल भुट्टो की घनघरक, कहा मुल्क चला नहीं सकते तो घर चले जाएं। सिंध का शहजादा बेबसी और लाचारगी की अलामत बन चुका। मौलाना की मनफी सियासत का जनाजा निकल गया। फिर दौसा शिकाबान की तनकीद, कहा मुल्क लूटने वालों में लॉन्ग मार्च की हिम्मत नहीं। आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी की फजल रहमान को बेनजीर भुट्टो की बर्सी में शिरकत की दावत। सियासी टकराव मुल्क के मुफाद में नहीं, फसाद के बाद भी बात ही करना पड़ती है। इस्तीफों से मुजाकरात होने चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ को पी फगाना का पैगाम पहुंचा दिया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने दो लीगी कारकुनान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया। मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद साजिद के नाम मरासला जारी। है एतराज हो तो आपको 5% जो सेंसेस है वो करवाया जा सकता है और हुकूमत ने इसका वादा किया था। अगर आपने टाइम जाया किया है तो ये सिंध के शहरी इलाकों के लोगों की गलती नहीं है, ये हुकूमत की नालायकी की। एमकेएम ने भी हुकूमत से राहें जुदा करने का इशारा दे दिया। पीटीआई को बार बार याद कराना पड़ता है कि मैंडेट इनके पास है। खालिद मकबूल सदीकी कप्तान, कहा जिनकी गिनती पूरी नहीं इन्हें हुकूक हाथ मिलेंगे। एमकेएम इत्तेहादी जमात नाराज नहीं होगी। शेख रशीद को यकीन, फजल रहमान फसाद की जड़ करार। अपोजिशन के सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी पेशगोई कर दी। विपाकी काबीना को कोई इख्तियार नहीं कि वो मर्दम शुमारी को मंजूर करे। सिंध काबीना ने विपाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं मर्दम शुमारी मुश्तरका मुफादात काउंसिल का मसला है, वही ले जाएंगे। खुदा की शान देखिए, इमरान खान के हाथों तमाम चोर गली गली रोने पर मजबूर हैं। शहबाज गिल की तनकीद, कहा बाप और चचा जिनको सबसे बड़ा डाकू करार दे रहे थे, मरियम उनके नारे लगा रही। कल तक 20 करोड़ डॉलर के फंड्स भेजे गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में कीमती असासे का शुक्रगुजार हूं, वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। आर्मी चीफ की वजीर आजम हाउस आमद इमरान खान से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर गुफ्तगु। मजीद 111 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2256 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मुनाफा खोर बाज ना आए, जान बचाने वाली ऑक्सीजन ना आया। सिलेंडर की कीमत में मन माने इजाफे। फवाद चौधरी कहते कोशिश है बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर जल्द मुहैया हो सके। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है, मायार पर समझौता नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना में तेजी से इजाफा। एक ही रोज में कोरोना से 14 अफराद जाना। सूबे में मजमूई अमवात 1577 हो गयी।
मुल्क में तालीमी इदारे मुकर्रर वक्त पर खुलेंगे या नहीं, वफाकी वजारत तालीम की ज़ेर सदारत वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी को हुई। डेनियल पर्ल के सिंध हाई कोर्ट ने 4 मुलजिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अहमद उमर शेख समेत तमाम मुलजिमान का नाम ECL पर डालने का हुक्म। लाहौर की एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की का हुक्म। गैर कानूनी प्लॉट केस का तहरीरी फैसला जारी। कार्रवाई के बाद DG NAB को रिपोर्ट करने का हुक्म। लीगी रहनुमा सैफुल वलूद खोखर के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी। इलेक्शन कमीशन और FBR ने SECP स्टेट बैंक समेत तमाम बैंक से रिकॉर्ड तलब कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। अदालत ने NAB के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तजावजात फौरी खत्म करवाई जाएं, गैर कानूनी तामीरात गिरा दें। सिंध हाई कोर्ट का KDA को गुलिस्तान जौहर में ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। भारतीय हुकूमत किसान दुश्मन पॉलिसियों पर डट गई। 29 रोज बाद भी एहतजाज जारी। मोदी जी मुजाहिरों पर संजीदा हिकमत अमल अपनाओ, ये ना हो पछताना पड़ जाए, सिख बरादरी ने खबरदार कर दिया। अंधा बांटे रेवड़ियां, अपनों अपनों को डोनाल्ड ट्रंप की रुख्सती से कबल मनपसंद अफराद पर नवाजिशात। साबिक मुशीर और इंतखाबी मैनेजर को मुआफ कर दिया। कराची वाले हो जाएं तैयार, सर्दी पार करने को है तैयार। 28 दिसंबर से नई लहर काम दिखाएगी। 7 साल रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। चित्राल के पुरफिजा सियाहती मकाम वादी कैलाश में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए फेस्टिवल का आगाज। सियाहों की आमद जारी। मिसबाह के इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच के ओहदे से फारिग। इंतजामिया ने मुआहदे की मुद्दत में तौसी न करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट टाकरा मैदान 26 दिसंबर को सजेगा। खिलाड़ी जीत के लिए पुराज़म, नेट पर मशकें जारी। मैं तो ये जानता हूं कि 18 साल में इंसान की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती, तो उसकी दस्तखत कैसे मिलेगी। एक शिकायत ये भी आम है कि टेलीफोन का बिल इतना आता है जैसे मैं वर्ल्ड बैंक को कोई इंटरेस्ट अदा कर रहा हूँ। और दुनियाए मजाक के बेताज बादशाह वर्सटाइल अदाकार मोइन अख्तर का 70वां यौमे पैदाइश। उनकी यादें लाजवाल ड्रामों और शोज की सूरत आज भी ताजा।